बसमलर रही हबीबत ज़ाउज नबी सन्ना क़ालत समेत रसूल अल्लाह वसलम यकूल मामिन अब्दिमस युसलीमिन सिंत अशरत रका त तवन गैर फ़रीज़ा ला बनल्ला बैतम फिलजन्ना नबी सी अहलिया म हबीबा रज़ी अला से रवायत है वो कहती हैं कि मैंने रसोल्ला सल्ला वम को सुना कि आपने फ़रमाया जिस बंद मोमिन ने भी अल्लाह की खुशनुदी के लिए फ़रास के अलावा बारह रकतें हर रोज़ नफल के तौर पर अदा कि अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक घर बना देगा एक घर बना देगा यानी मज़ीद एक घर बना देगा ये नवाफिल का अजर है जो उन्हीं लोगों को मिलेगा जो अपने अमल की बिना पर जन्नत में जाने का इस्तक पैदा कर लेंगे ये इस रवायत पर मैंने लिखा है अब इसमें जो मजामी बयान हुए हैं उनको बखसर तौर पर समझ लीजिए हमारे दीन में जिस तरीके से बदन की तहारत के आदाब बताए गए हैं खुरोश को पाकिज़ा बनाने की हिदायत की गई है और अखलाक की पाकिजगी जो दीन का असली मजमून है उसको बहुत वसत के साथ बयान किया गया है पूरा दीन असलन इन तीन चीज़ों का नाम है यानी बदन की तहारत खुरोश की तहारत और अख़लाक की तहारत तो अल्लाह ताला की पूरी शरीयत अगर आप गौर करें तो इन्हीं चीज़ों पर मबनी है इसमें जो अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ है उसको कायम रखने उसको मजबूत बनाने के लिए इबादत भी लाजम की गई हैं नमाज़ है, नमाज है रोज़ा है हज है उम्र है इन सब से असली मकसूद क्या है वही जो कुरान मजीद ने बयान किया कि अल्लाह की याद रहे अल्लाह ताला हमारे सामने नहीं है नज़र नहीं आता रोज़ मिलता नहीं तो इसलिए उसकी याद दहानी अलामती तरीके से हो सकती थी एक सिंबॉलिक तरीका इख्तियार करना नागज़िर था तमाम इबादत में वही इख्तियार किया गया है अब इबादत एक जज्बा है इंसान के अंदर ये चीज़ पैदा होती है जैसे माँ के लिए मोहब्बत पैदा होती है बीवी के लिए होती है दोस्तों के साथ ताल्लुक़ का इजहार हम करते हैं तो हम आम तौर पर इस ताल्लुक़ के इजहार में जो तरीक़े मुनासिब समझते हैं वो इख्तियार कर लेते हैं अल्लाह ताला के मामले में ये है कि इसमें मज़ब फलसफा, मजबियात फलसफियाना अकायद ये लाजमन आते हैं आते हैं तो इफरात तफरीद पैदा कर देते हैं चुनाच हमने देखा कि बहुत से लोगों ने रहबानियत को एक फ़लसफा बना दिया दुनिया के बारे में ये तस्वुर दिया कि ये तो असल में मादा है आलाइश है मत है तारीख़ी है तो इसके नतीजे में इबादत के लिए भी रुबानीत और उससे पैदा होने वाले बेशुमार मसालिक वजूद में आ गए तो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों के ज़रिए से फिर अपनी याद दहानी के लिए अपने साथ ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए इबादत ख़ुद मुकर कर दी ताकि इंसान अपनी फ़ितरत के इस तकाज़े को पूरा करते वक्त इफरात और तफरीत से बचा रहे वही चीज़ जो अभी हम कुरान में देख रहे थे कि अल्लाह किस्त पर कायम करता है यानी चीज़ों को ठीक उस जगह ले आता है तो हमारे 24 घंटों में जो नमाज मुकर की गई है और ज़ाहिर है कि यही वो इबादत है जो हमें शब रोज़ में करनी होती है तो उसमें रिसालत माँ आप कि किज़ हैं जो असल आयद किए गए हैं वो क्या हैं दो रकतें हम फजर के वक्त पढ़ते हैं चार जहर के वक्त पढ़ते हैं चार असर के वक्त पढ़ते हैं तीन मगरब के वक्त और चार इशा के वक्त यही नमाज़ है जो लाजिम की गई है बैसीत मजमू देखिए तो ये कोई आध घंटे की अल्लाह के हुजूर में हाज़री है यानी आदमी अपने सब काम छोड़े अल्लाह की याद के लिए हाजिर हो जाए अगर उसके करीब कोई माबद है तो वहाँ जा के लोगों के साथ मिल के अल्लाह की बंदगी करे वरना अपने तौर पर अल्लाह के सामने सर न्याज झुका दे ये लाजिम है इसके बाद एक बात कही है कुरान मजीद ने वो बात ये है कि जो चीज़ें मैंने तुम पर अपनी इबादत के जैल में या अपनी बंदगी के जैल में या अपने साथ ताल्लुक़ के इजहार के लिए लाज़िम की हैं ये चीज़ें लाज़िम तो इतनी ही हैं लेकिन मन तत्व खैरन फ़ाइन लल्ला नलीम। अगर कोई अपनी तरफ़ से इसमें इजाफा करता है यानी वो कहता है मैं ज़्यादा इबादत करूँगा जैसे अल्लाह ताली ने हमारे ऊपर ज़कवा़त फ़र्ज़ की लेकिन एक आदमी कहता है कि मैं और भी ज़्यादा अल्लाह की राम में ख़र्च करूँगा तो इसको कुरान मजीद ने तत्व कहा यानी अपनी तरफ से अपनी ख़ुशी से बग़ैर किसी पाबंदी के अंदर के जज्बे के साथ कोई मजीद नेकी का काम करना इसको ततवो कहा जाता है हमारे यहाँ इसके लिए नफल की असलाह है तो नफल का मतलब क्या है एक चीज़ लाजिम नहीं की गई पाबंदी ज़रूरी नहीं है सारी ज़िंदगी आप ये काम ना करें तो पूछा नहीं जाएगा लेकिन अगर करेंगे और ज़ाहिर कि बिल्कुल इंसानी फितरत मानती है कि अगर अल्लाह ताला ने कहा कि तुम दो रुपए गरीबों को लाजमन दो और आपने कहा मैं दस दूंगा तो इसका अजर तो मिलना चाहिए तो ये नवाफिल जिस तरीके से इफ़ाक में जिस तरीके से रोज़े में जिस तरीके से हज में में ऐसे ही इंसान के जज्बे का इजहार हैं उसी तरह रोज़मर्रा की नमाजों में भी हैं तो हज़ूर ने फ़रमाया सल्लासम कि बंद मोमिन ने अल्लाह की खुशनूदी के लिए तत्वन अल्लाह को खुश करने के लिए फ़रज़ के अलावा बारह रकतें रोज़ाना पढ़ी यानी सुबह शाम की सब नमाजों के साथ जैसे हम पढ़ते हैं आम तौर पर कि फजर से पहले फ़र्ज़ नमाज के साथ दो रकतें पढ़ लेते हैं जोहर के से पहले पढ़ते हैं बाद में पढ़ते हैं तो ये मिला के हजूर ने फरमाया कि अगर बारह रकतें ज़्यादा पढ़ लीं और वाज़ किया तत्व कि ना ये ज़रूरी हैं ना इन पर मुआज़ा है नाइन पे बारे में पूछा जाएगा ये तत्वन है तुम्हारी तरफ से हैं तुम्हारी खुशी से हैं अगर तुम अपने तौर पर पढ़ते हो इनको ये समझ कर पढ़ते हो कि मेरे रब ने जो मुझे अपनी बारगाह में हाज़िर होने के लिए कहा था तो मैं पाँच मिनट के लिए बुलाया था मैं कुछ ज़्यादा वक्त शरफ़ करूँगा और मज़ीद अपने रब के सामने सजदा रेज़ हो तो दो बातें आपने फ़रमाईं जैसे कि इस रिवायत में बयान किया गया है कि एक तो ये कि बारह रकत हैं दूसरे ये ततवन गैर फरीजत यानी फ़र्ज़ के अलावा हों और अपने तौर पर नफल समझ के ये ख्याल करके कि मैं अपनी तरफ़ से ये पेश कर रहा हूँ अदा की तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बना देगा यानी वो या अल्लाह ने जो नेमतें देनी हैं उन नेमतों में एक और नेमत का इजाफ़ा कर देगा ये ताबीर है ज़ाहिर है कि बद्दू हैं सामने बैठे हुए तो उनके लिए यही ताबीरें मुनासिब हैं ताकि वो ये अंदाज़ा करें एक नहमत और मिल जाएगी एक जन्नत और मिल जाएगी एक घर और मिल जाएगा तो ये अल्लाह ताला ने फ़रमाया इससे ज़ाहिर है कि खुद ब खुद ये मालूम हुआ कि दूसरे तमाम मामलों में भी जितनी चीज़ अल्लाह ने फ़र्ज़ की होती है मसलन ज़क़़त को फ़र्ज़ किया है तो अगर हम इनफाक़ करते हैं अपने ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी डालते हैं नफ़ल के तौर पर अपनी खुश अपनी ख़ुशी से और अपने परवरदिगार की खुशनूदी के लिए ज़्यादा खर्च करते हैं तो ज़ाहिर है कि इसका नतीजा भी यही निकलेगा तो एक उसूल बयान कर दिया कि अगर आप अपनी तरफ़ से ततवन नफल के तौर पर कोई इबादत करते हैं तो अल्लाह ताला इससे बहुत खुश होते हैं और वो फिर इजाफ़ा करते हैं लेकिन ये किसको मिलेगा यानी ये घर किसके लिए है जिसने ईमान और अमल की बिना पर जन्नत में जाने का इसक़ात पैदा कर लिया है यानी यहाँ ये ज़ेर बैस नहीं है कि जन्नत में जाना कैसे है उसके तकाजे अलग हैं वो आपने पूरे कर दिए आपने किसी के साथ ज़्यादती नहीं की आपने किसी का माल नहीं खाया आपने किसी की जान माल अबरू को नुकसान नहीं पहुंचाया किसी की हक तलफी नहीं की किसी शर्क का इरतक नहीं किया तो अब रास्ता खुलेगा कि आप जन्नत में जाएँ और फ़्राइज अदा किए हैं तो जन्नत का दरवाज़ा खुल गया जन्नत का दरवाज़ा खुल गया उसमें अब दर्जात की कोई हद नहीं है उसमें नियमतों की भी कोई हद नहीं तो नवाफिन उसका ज़रिया बनते हैं तो ये बात पूरी तरह वाज़ कर दी और यहाँ पर आप देखिए कि अल्फाजे तत्वन गैर फरीजतन ये दो ही सूरतें हैं इबादत की कोई और शक्ल नहीं है इबादत क्या अल्लाह ताला ने जितनी हिदायत दी हैं उनमें दोनों ही सूरतें हैं ये यानी या वो फ़र्ज़ होगी फ़र्ज़ का मतलब है लाजिम है वाजिब है करेंगे तो अजर मिलेगा नहीं करेंगे तो मुआजा होगा पूछा जाएगा और या वो नफल होगी और कोई किस्म नहीं है खुद रसालत में वसल्लम ने यही दोनों लफ्ज़ हर जगह इस्तेमाल फरमाए हैं अल्लाह ताला ने भी यही किया है मैंने अभी बताया आपको के रोज़े के बारे में बिल्कुल ऐसे ही किया शुरू किया कि मैंने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं कुतबालाकुमस्म और आगे उन्हीं आयात में कहा मन ततवा खैरन फ़ैन लल्ला शाकर तो गोया जब इंसान अला ततवा वहाँ ये फ़रमाया और दूसरी जगह पर जहाँ पर सफ़ा मरवा का ज़िक्र है वहाँ ये फ़रमाया तो दोनों जगह यही बात कही कि अगर तुम अपनी तरफ़ से कोई नेकी करते हो तो अल्लाह उसको कबूल करेगा और अल्लाह ताली तुम्हारी हर नेकी से वाकिफ़ भी है तो इससे ख़ुद वाज़ कर दिया कि दीन के मामले में अपनी तरफ़ से अलाहत बनाने की बजाय जिस जगह अल्लाह और रसूल ने हमें रखा है वहीं रहना चाहिए व आखिरज अलहमदिल्ला रब